अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साडा पिंड साडा शहर दे नाल ते साडा अपना मेज़बान मुहम्मद जावेद हाज़र। अज मैं इंडियन बार्डर तो बैक तो इंडियन बार्डर 6 किलोमीटर का फासला है, और अगर मैं सामने अपने देखा तो शहर सियालकोट 8 किलोमीटर के फासले से वाकया है। नाज़रीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हाँ करोल पिंड है, करोल पिंड की एक अलहदा दास्तान है। जिस जगह पर मैं खड़ा एक टिब्बा है, टिब्बे के उपर कब्रस्तान है। कब्रस्तान वो है कि जिथे बहुत सारे शोधा 1965 की जंग जो शहीद हुए सन वो इतने दफन ने, और एल एन इलाका भी दफन ने। लेकिन मैनू आन के इतने बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई कि इतना खूबसूरत इलाका और जोड़ा साड़ी नज़रों तो ओझल से। मैं क्या अपने नाज़रीन जरूर थोड़ी जी हिस्ट्री दसनी चाहिए। और मेरे बिल्कुल बैक से, मेरे बैकअप से एक पूरन का खूह है, वो एक अलहदा दास्तान है। नाज़रीन, वो तुम दसागे जाके उ पूरन के खूह से कि यदि की दास्तान है, और उत्थे लोगों को पूछांगे। और एक ऐसी हिस्टरी है यकीन जानो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के और सुन के। मैं तो पहले मालूम ले ही, फिर दोबारा मैं तुहाडे नाल गलबात की है। नाज़रीन, आओ चलते हैं पूरन के खूह ते। काफ़ी उच्चा टिब्बा है नाज़रीन, तो थोड़ी देर तक लैके जा रहे हैं तुहानू पूरन के खूह ते। जी दोस्तों, तुहानू पहले दस्या सी कि असी पूरन के खूह ते जाना है, और बिल्कुल असी पूरन के खूह ते बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। यह वो दीवार है जिथे पुरानी इटा लगिया हुई ने, उस दौर दीआं इटा लगिया हुई ने कि जदों इत्थे पाकिस्तान में नहीं सी बनया होया। और बिल्कुल असी सामने अगर देखिए तो यह असी हुण दाखिल हो गए हैं ये उस जगह दे विच जिथे ये पूरन का खूह है। तो साडी हुण गलबात करावांगे इत्थों दे मुकामी लोगों दे नाल। मैंने पहले तुहानू दस्या सी मैं ये जदों मैं टिब्बे ते गया सी कब्रस्तान च कि मेरे बैकअप ते पूरन का खूह है। यह बैक तो बैकअप तो साढ़े पूरन का खूह है। और यदि हिस्टरी पुछते हैं इतों के जो वसिंदे ने, इतों के रहायशी ने, उन्होंने पुछते हैं कि पूरन की हिस्टरी की है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम असलाम। तुहाडा नाम की है जी? जी मेरा नाम लियाकत अली है जी। अच्छा लियाकत अली साहब, पूरन के खूह के मतलब कोई बड़िया को गलबात सुनी हो तुहानू की इलम हो, थोड़ा मेरे नाज़रीन जरूर दसना। देखो जी, गल तो ये पहली गल तो ये वे कि तकरीबन ये वाकया जो बहुत देर पुराना है, तो जिहड़े वड्डे वडेरे ने उन्होंने पता है, क्योंकि जिहड़ी आम जिहड़ी दुनिया या जनरेशन है वो इन गल्लां तो नहीं वाकफ। तो सुनिया सुने जिहड़ी गल्लां नूं ये वेख के जिहड़े पूरन जिहड़े ना पूरन भगत वो एक राजे दे बेटे सन, तो वो माई रास्ती तो माई लूणा जिहड़ी है ना वो लूणा तो इछरा ये पिछों पिंड रोड़ से, तो फिर सियालकोट नाल भी इन्हां दा तलक है। तो इन्हां नूं इस खूह दे विच सुट्टिया गया सी इन्हां दे बाजू कट के। अच्छा सर जी, मैनू ये सवाल तुहाडी गल तो मेरा सवाल बनया एक कि इहनू सुट्टिया क्यों गया, इहदी की हिस्टरी है? ये दस दिन विच तारीख विच भी लिखिया या किताबां विच लिखिया कि जिहड़े ने ये जदों बच्चे सन तो ये बहुत खूबसूरत सन, तो जिहड़ी इन्हां दी वालदा सी ना एक सक्की सी ते एक मतरेई सी, ते वह फिर जिहड़ी सी वह उहनां दा किरदार जिहड़ा सी ना इन्हां दे बारे नहीं सी ठीक, ते वह उस गल तो नफरत करते सन, उन्होंने अपनी माँ समझते सन। इस वास्ते वो अपनी जरा उस वक्त का राजा से वो गिलागदारी करते रहते सर कि बच्चा जोड़ा थोड़ा ठीक नहीं, तो फिर वो बादशाह ने उस वजह तो आके तो फिर उन्होंने इतने सुट दिता लिया के, तो फिर वो इतने जोड़ा टिब्बा वो उत्ते आने के एक बजुर्ग आए सन, तो उन्होंने आके वेखिया, उन्होंने फिर इन्हों इस खूह बाहर कढ़िया, फिर दुआ की तो ठीक भी हो गए, क्योंकि कहते हैं दसण वाले दस दें कि उन्होंने बाजू नहीं सन। अच्छा मैं एक होर मेरे जन सवाल है कि इन दे बाप हो के एक राजा जी, एक यानी इस इलाके का आप चौरी हो के, तो उन्हें अपने पुत्र ने एडा बड़ा जुल्म किया कि वो लत्तां भी बाहां भी कट के खूह छुड़ता। ये देखो जी, वो दस्या कि वो ही जिहड़े वड्डे ने, क्योंकि जिहड़े उस वेले दी गल है उही दसदे ने, तो ये सारे बार बार ही कहन दा रहदा कि ये उस सारे वाक्य लिखे ने इत्थों जिहड़े, क्योंकि हुण इस इलाके दे जिहड़े लोग ने वो बस गल्लां ही रह गई ने, वो ही बेहतर समझदे ने, ते बाकी जो सुनिया तारीख विच लिखा वो मैं तुहानूं दस दित्ता जी। चलो मेहरबानी है, मेरे नाल एक होर दोस्त ने जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा तुहाडा नाम की है? मुहम्मद अशरफ जी। जी मुहम्मद अशरफ, कुक के नाम तो मशहूर जो ज़्यादा, क्योंकि मैं पूछा नाज़रीन अपने इतों जो है वसिंदे कि यार कोई तुहाडे आला ऐसा बंदा हो जिहड़ा कोई हिस्ट्री दस सके, तो दस जी कुक साहब है ने, कुक साहब की कहना चाहोगे इस खूह के मुतलक? मतलब फिर ये सर मतलब जो सुनने तो आई है कि जो पुराने मतलब कोई महाराजा सन जी, उन्होंने बेटे सन, उन्होंने दो बीवियां सन, जिन्होंने एक है बड़े खूबसूरत सन भगत सिंह, तो वह फिर कुछ उन्होंने कोई किरदार बीवी का अच्छा नहीं सी, और दूसरी बीवी का, तो उन्होंने फिर मतलब ये कोई मतलब उन्होंने कहा कि मतलब साढ़े ना कोई कोऑपरेट करन, वो मतलब करना नहीं चाहते भी अल्लाह के आद बंदे सन,
तो इस हवाले न मतलब फिर वो उन्हों का जो राजा साहब सन उन्होंने फिर इन्होंने बादू शादू कट कुट के खूह छुट दिता गया। यानी तुहाडा कहने का मकसद है लिया साहब ने भी गल पहले मेरी हुई कि वह जो बीवियां से दो उन जो एक बीवी जी इन्हों के बेईमान हो गई बेटे जी, बेशक, उस बेटे के बाजू कटवा के और सारा कुछ करके खूह छुट दिता। लिखो ये भी एक जुलम और ज्यादती है, एक बेटे के नाल बड़ा जुलम और यदि कहानी एक दास्तान मैं काफ़ी सुनी हुई थी बजुर्गों को व्ड्या को पूर्ण भगत अक्सर किस्से भी मैं सुने सन तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जदों सियालकोट गया ते मैं जरूर इस पूर्ण भगत के खूह जावांगा क्योंकि इहदा फासला पहले मैं उपर तुहानूं दस चुक्या कि 6 किलोमीटर इंडिया बार्डर है और 8 किलोमीटर सियालकोट है जिथे पिंड वाकया है जिथे पूर्ण भगत का खूह है। अच्छा अगर कोई मेरा नाजरीन इतने आना चाहे देखो ना एडा बड़ा पाकिस्तान है या बाहरले मुल्क इंडिया जो लोग आने चाहते हैं तो वह किस तरह इतने आने थोड़ा जिहा दस देना कि यह किस जगह पर वाकया है कितने उतरने किस तरह आने इतने ये जी मतलब अपना लारी अड्डे तो मतलब सीधा निकलते जी चपराड़ रोड है जी ये तो मतलब थोड़ा जा मतलब चपराड़ तो काफ़ी अगे है लेकिन ये जरा काफ़ी पिछे गुलबार मतलब खुरद और गुलबार कलां ये दो पिंड ने जी इन्हों तो अगे थोड़ा जा आ जाओ लेंदे रू तो इस पिंड का ना है करोल करोल इतने आन के मतलब जरा मतलब पता किसी को टिब्बे दाल पिंड है और इतने किसी ने भी पूछ लें पूरन भगत मतलब वैसे उन्होंने मंदिर नज़र आ जाएगा। यानी यदा मतलब है कि नादरीन ने मुसलमान ने सी एक राजा दे बेटे सन और हिंदू सी भगत सी और इन्हों का बिल्कुल मेरे इस साइड से अगर दिखाया जाए खब्बी साइड से तो उनका एक इतने बने हुआ मंदिर मंदिर बिल्कुल तुम्हें मंदिर भी दिखाते हैं और मंदिर का अंदरूनी हिस्सा भी तुम्हें दिखा। नादरीन ने इस इलाके दे मैं काफ़ी विजिट किया और उन्होंने दसिया कि इतने खूह के पानी के नाल जिन्हें लोगों कोई मर्ज़ होंगी आ अठरा की आ या कोट की आ जो कोई किस्म की मर्ज हैगी वो इतने आदि ने खूह चो पानी कड़दियां ने यह देखो पिछले एक मंडल पे हुए ने पानी के भरे हुए इतों इन्होंने इनू कढ़ना है पानी नूं पानी कड़ के एक अलहदा एक वापर का इंतजाम किया उन्हें नहादियां ने नहा के जो जांदियां ने ते दादे शफा भी मिलती है हुण पता नहीं किस हद तक ये गल दुरुस्त है। बंदा भी मौजूद है जिहड़ा खूह चो कढ़ के पानी भर रहा और इन्हां पुछांगे कि इस खूह की क्यों पानी भर रहा है की दास्तान है इहदी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई तुसी दसोगे कित्थों आए जी पहला? मैं मंडाला तों आया। ए सियालकोट दे विच मंडाला है जी? सियालकोट। अच्छा ये खूह दी की दास्तान है क्यों पानी भर जे एड्डी दूर सफर करके क्यों आए जी? इत्थे औरतां नहांदियां ने अल्लाह ताला शफा दे दिंदा। ए मसलन केड़े मर्द वास्ते जिहड़ियां औरतां नूं परछावां होवे औरतां इत्थे नहांदियां ने अल्लाह शफा दिंदा। अच्छा औरतों वास्ते मर्दों वास्ते नहीं कोई है? मर्दों वास्ते भी है। नहीं नहीं गल कि नहीं नहीं मैनू मेरे सवाल मेरे दिन चुट रहा ना कि ये की गल खास खूह है भी जितों सारा कुछ मिलता है होर भी तो खूह है ना एक मंदिर है मंदिर के उत्ते सारा कुछ बनाया गया है एक किस तरह तुहाडा यकीन कामल है पूरन भगत दे खासकर तुसी आउंदे जे तो ये मतलब कुछ मैनू तो हैरत हो रही है वैसे कि असीं माशाल्लाह मुसलमान होकर तो कि काम पिछे लगे हैं लेकिन इतने भी अल्लाह का वली है वही पूरन तो तक अल्लाह का वली है। नहीं नहीं मैंने तो पता चलिया कि वो एक हिंदू है भगत सन और एक हिंदू ने वो तो वो किस तरह है सारा मामला तो वो किस तरह अल्लाह के वलियों शामिल हो गए जो भी है वह शफा अल्लाह दिंदा है इतों। यानी नादरीन इन्हों का असल च ना एक यकीन है पुख्ता यकीन है और चलो नहा भी लेंदे ने आन के जां हाँ औरतों को कोई तकलीफ भी होते हैं लोग लेकिन उन्होंने एक यकीन बज गया कि असं इतने आवेंगे नहावे सू शफा यानी कोई दिमाग दिमाग जी गल फिट होगी ना वो यार नसल इस तरह तुरी आ रही है मैनू नहीं उम्मीद के एक क्यामत तक भी लोग रुकन ना समझन क्योंकि असं मुसलमान और मुसलमान होने के नाते असं ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह के वलियों के दर से जाया करो उत्थे जाके दुआवें भी कराया करो सारे काम कराया करो लेकिन पूर्ण भगत का खूह है जी। चलो एक दास्तान भी तुम पहले दसी है कुछ दोस्त मेरे नाल सन तो चलो ठीक है जो भी है इन्हों का एक अपना पुख्ता यकीन है तो मैं तो शक च नहीं है कि लोग आन के नहाँ इतने बीबियां नहाँ और बहुत सारे लोग ने जोड़े उन्होंने फिर मौका मिलता कि अहले सुन जमात या जोड़े दूसरे लोग ने वो यह काम करते हैं तो नादरीन पूर्ण भगत के खूह से गए टिब्बे से गए लेकिन मैनू ना दिली सुकून नहीं होया मैं क्या कि किसी ऐसे बंदे को ठोस बंदे को गलबात पूछी जाए कि जेड़े पूर्ण भगत के मुतलक सही मालूमत मैं दे सके अपनी तसली वास्ते मेरे नाल एक बहुत ही माशाल्लाह शरीफ और मौजूद इंसान मेरे नाल मौजूद ने उन्होंने पूछते हैं कि पूर्ण भगत कौन सी और वो की उहदा माजरा है लोग नहाते ने आण के आया कि साड़ी शरीयत इस चीज़ की इजाजत दिंदी है कि एक भगत दे जाके असी जाके नहाइए सारा कुछ करिए
तो मैं वो बंदे ने एक ने पूछा, मैं खूह उत्थे लगा सी गेड़ रहा सी, तो उन्होंने पूछा कि यार तुसी क्यों ये कर रहे सारा कुछ, तो उन्हें दसा जी सानू शफा मिलती है इस खूह तो, ते यही मैं पूछने वास्ते इन्हें बजुर्गों ने पूछागा कि की मैं दसते हैं कैसी मालूमात देंगे ने मैनू। यह जी गल सू पुछी है असी यह तुहानू खलूस नीयत ने गल दसांगे कि असी बचपन तो सदियों तो अपने बजुर्गों को अजीजों कार रिश्तेदार को जिन्हों लोगों के बच्चे नहीं हैं बचते तुम्हें पता है असी रहे हिंदुआ के नाल हाँ, तो साडा माइंड भी जोड़ा उन्होंने लोगों कोई थोड़ा जहा मैच करता है, वो सानू बड़ी देर ना जाके इस्लाम की खबर हुई है, लेकिन यह गल वाकई सच्ची है। तो ये बा कमाल लोग होए ने इन्हों किसी अल्लाह के बंदे ने सुट दिता सी खूह के सूरत सूत्र की अट्टी के नाल इन्हों बाहर कढ़िया, उस वजह नाल इन्हां लोगों को शिफा होंगी जिन्हां लोगों के छोटे बच्चे नहीं बचते, वो आके एक बार इतों गुसल करके जाते हैं तारी ला के जाते हैं, अल्लाह शिफा मैंने जाना बल्ला सारिया मौजा बारा मेरे खालक को ने, लेकिन जरिया जोड़ा है शेर तो तंदुरुस्ती का वह कोई ना कोई वसीला है, ये वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो यह गल यकीन सच्ची है, इस गल चराई भर भी झूठ नहीं। अच्छा इन्हें मेरे मेरे दिन एक सवाल है कि जी पूनी की अट्टी होंगी है वो बनाते हैं वो कतते हैं चरखे के नाल, चरखे के नाल बड़ी नाजुक होंगी, किस तरह वो बाहर कढ़ लिया? वेखो जी पीर कामल नहीं हुंदा यकीन कामल हुंदा जिन्हां लोकां दे इरादे पुख्ता हुंदे ने, वो हमेशा अल्लाह ते आस जिन्हां दी हुंदी उन्हां दे सारे काम दुरुस्त हुंदे ने, ते एक बंदा सारी जिंदगी जहाज झूटे लैंदा ते वो मसलन साइकिल ते पानी च नहीं तार सकदा, ते एक कामल वाली मसला इंज करके पानी च सुटे ते 20 बंदे बहा के ते जिथे मर्जी लै जावे, ते ये सारियां कुवतां अल्लाह दीआं ने, पूर्ण भगत दा कमाल कौन नहीं है, सिर्फ एक बहाना बनया, रब ने जाहर कीता कि आ मेरा बारग जिदा बंदा, ते इहदे वल ध्यान करो इत्थे तुहानू शिफा लभणी, ते इस वास्ते शिफा मैं जाना बल्ला, लेकिन ये वसीलिया नाल ही सारा कुछ लभना। अच्छा यदा मतलब है कि जरा जिन्होंने खूह चो कढ़िया वो बजुर्ग वली कामल सन, अच्छा उन्हों की वजह के नाल लोग इतने आते हैं पूर्ण भगत की वजह ना नहीं आते? नहीं 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 ये गल सच्ची है, लेकिन गल तो है वे कि जिन्ना चेर सीढ़ी ना हो बंदा छत तो नहीं चढ़ता, तो जिस कामल वाली ने भी इस बंदे राबता किया या इनू बाहर कढ़ के इनू आज़ाद किया उस मुश्किल की आसान की वह सबब बनाया कि बाकी लोगों फैज़ आम हो जाए, तो इस वास्ते दुआ तो उन्हों की है, लेकिन ना इन्हों का इसलिए जिते जाना खालक नूं भी मनना है, तो खालक के मनने भी अगे बंदा चाहिए कोई कामल बंदा चाहिए वो शकल है, तो इंसानी शकल में ही अगे लभना, तो इस वास्ते ये गल साडे नज़दीक 100% दुरुस्त है, बेशुमार हज़ारां लखां लोग इतों फैजयाब होकर गए हैं, ताकि मेरे अपने दो चार अजीज ऐसे ने जिन्हों के बच्चे नहीं बचते रहे, तो आए ने भाई जहाँ उत्थे जाना सी खड़िया, तो मालिक ने उन्होंने भाग लाए अज साहब औलाद ने पोतरिया पोतरिया वाले ने। अच्छा मैं ना छोटे होंदे दास्ताना पूरन भगत दी बहुत सारी सुनिया, वो खासकर जो गवंतरी होंगे से ना वो ही रंझा दी सस्सी पुन्नू दी सोनी महीवाल दी और पूरन भगत दी खासकर मैं तो मेरे दिल च ना एक बड़ा एक ख्याल सी कि जो मैं शहर सियालकोट दे विच गया तो पूरन भगत दे खूह ते मैं जरूर जाना और टिब्बे ते जरूर जाना, अज मैं गया और मैनू उत्थे जाके थोड़ा जिहा फील भी होया कि बार्डर दे बिल्कुल नज़दीक, और वाकई तुहाडी गल ठीक है कि हिंदुओं और सिखां दे विच असीं रहे। बहुत शुक्रिया बड़ी तफसील नाल तुसीं सानूं दस्सिया। लो नाज़रीन ऐ वो मंदिर इत्थे छोटा जिहा बनाया होया, क्योंकि अक्सर जो सिख आते हैं इतने पाकिस्तान दे विच जां हिंदू आते हैं तो फिर इत्थे जरूर हो के जाते हैं, और मैं तुहानूं इहदा अंदरूनी सब दिखांदा वां। नाज़रीन प्रोग्राम साडा पिंड शहर दा मकसद सी साडा कि मुख्तलिफ शहरां जाइए पिंडां जाइए उत्थों दीआं दास्ताना उत्थों दे हालात वाकियात उत्थों दे पुरानी सकाफत नूं उजागर करन वास्ते तुहाडे वास्ते असीं प्रोग्राम जिहड़ा ये पेश कर रहे हैं, और मुख्तलिफ पाकिस्तान दे इलाके जावांगे उत्थों तुहाडे वास्ते अच्छी तों अच्छी डाकूमेंटरियां अच्छियां अच्छियां दास्ताना लैके आवांगे, उस इलाके दी इक पहचान लैके आवांगे। नाज़रीन प्रोग्राम साडा पिंड साडा शहर दे नाल फिर नवीं वीडियो दे नाल तुहाडे नाल दुबारा हाज़र होवांगे, अपने मेज़बान मुहम्मद जावेद और कैमरामैन नवीद अहमद नू दिओ इजाजतां, अल्लाह निगेबान।